और इस वक्त एक बड़ी खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं। अब रिजर्व बैंक 2000 रुपए के नोट नहीं छापेगा। 2000 के नोट के छपने को रोक का एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है, लेकिन हाँ, आप इसको बदलवा सकते हैं किसी भी बैंक में जाकर के। अगर आपके पास 2000 का नोट है तो सितंबर 2023 तक आप जाइए और बैंक में, जिस तरीके से पहले ये सुविधा थी 2016 में जब नोटबंदी लागू हुई थी, उसी तरीके से सितंबर 2023 तक ये सुविधा है कि आप नोट बदलवा लें। तो ये सलाह दी गई है कि अब आप ये नोट इस्तेमाल ना करें, ना ही ये नोट और छपेंगे। दरअसल आपको ये बता दें कि 2000 की करेंसी नोट सर्कुलेशन में ही नहीं था, लेकिन जब नवंबर 2016 में नोटबंदी आई तो उस समय जल्दी से नोट ताकि मार्केट में उपलब्ध हों, उस वजह से 2000 डिनोमिनेशन के नोट्स छपने शुरू हुए। अब सरकार का ऐसा मानना है कि कोई ज़रूरत महसूस नहीं है कि इसको, करेंसी नोट को, मार्केट में रखा जाए। इस वजह से इन नोटों के छपने पर रोक लगी है और जनता इसको इस्तेमाल, वैसे भी करने में दिक्कतें आती थी, अगर जैसे उनके पास है भी तो वो किसी भी बैंक में जा करके इसको बदल लें और उसके बदले में चाहे 500 रुपए का नोट ले लें, 100 का नोट ले लें, लेकिन इनको बदलवा लें। ये बात अभी सामने आई। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी राजनीतिक दलों की, इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी एक्सपर्ट्स की, क्योंकि बहुत लोगों का मानना है ये बड़ा अच्छा कदम है। होता क्या था कि आप बाजार में गए 2000 का नोट लेकर के, वो इतना बड़ा नोट है कि कोई तोड़ ही नहीं पाता था, तो उसका चेंज नहीं मिलता था, ये एक समस्या बहुत उठती थी। दूसरी चीज़, एक आरोप ये लगता था कि भारी मात्रा में जो लोग ब्लैक मनी स्टोर करते हैं, बीच में तमाम ऐसे वाकये सामने आए जिसमें 2000 रुपए के नोट लोग स्टोर करने लगे, कोई अपनी अलमारी में छुपाए हुए है, कोई दीवार में चिनवा दे रहा है, टाइल्स के पीछे मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें सब देखने को मिलती थी। इसके अलावा काउंटरफीट करेंसी का भी एक बहुत बड़ा मसला हो गया था कि ये नकली नोट छपने लगे थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब ये नोट, सलाह दी गई है कि लोग बदलवा लें इसको और नए नोट तो अब बिल्कुल नहीं छपेंगे। अखिलेश शर्मा अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, ये कदम उठाने के पहले तर्क क्या दिया गया है कि ऐसा क्यों किया गया? देखिए, आप जानते हैं कि जब नोटबंदी हुई थी तभी उसके बाद जो है 2000 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट छपना शुरू किया गया था। तब जो नोट छापे गए थे तब उनकी जो उम्र थी, यानी जो कागज़ और जो उनके छपाई और वो सब होता है, 4 से 5 साल उसकी उम्र मानी गई थी। और हमने ये देखा है संकेत कि पिछले कई वर्षों से 2000 रुपए का जो नोट है इसकी प्रिंटिंग पूरी तरह से बंद हो चुकी, यानी उस वक्त जो नोट 2016 के बाद से छपे थे वही नोट सर्कुलेशन में थे और उसके बाद नए नोट जो है वो छपने बंद हो गए थे। तो इसलिए आपने देखा होगा कि आप जब दुकान पर जाते हैं तो आपको अब 2000 रुपए के नोट अमूमन नहीं मिलते हैं। अगर आप ATM में भी जाते हैं पैसा निकालने के लिए तो 2000 रुपए का नोट अब आपको नहीं मिलता है। इसका कारण यही है कि इनकी जो प्रिंटिंग है वो बंद हो चुकी है, लेकिन सरकार का यह कहना है कि पर्याप्त मात्रा में जो है वो 2000 रुपए का नोट उपलब्ध था मार्केट में। अब सरकार ने फैसला किया है कि चूंकि इसकी उम्र 4 से 5 वर्ष की ही थी, इसलिए अब 30 सितंबर 2023 से इसके बाद जो है आप तब तक अपने जो नोट हैं उनको बैंकों में जाकर जमा करा सकते हैं। अगर आपके पास 2000 रुपए का नोट घर में रखा है तो आप 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक 10 नोट एक बार में, यानी 20,000 रुपए आप बैंक में, अपने नज़दीकी बैंक में जाइए, अपने जहां आपका खाता है वहां जाइए और वहां पर इसको जमा करा दीजिए अकाउंट में, और बाद में आपको 500 रुपए का, 200 रुपए का या 100 रुपए का इस शक्ल में आपको नोट आसानी से मिल जाएंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर बैंक आपको लेने से मना करता है आपके नोट तो आप इसके लिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं और 30 दिनों के भीतर आपकी शिकायत का समाधान भी हो जाएगा। तो ये इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 2000 रुपए का नोट है जिसकी प्रिंटिंग बंद हो चुकी है वो प्रचलन से बाहर होगा, लेकिन वो वैध मुद्रा बना रहेगा, यानी उसका लीगल टेंडर बना रहेगा। अखिलेश जी, लेकिन एक और चीज पता चली है और ये बहुत रोचक है, अगर आप बता दें, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत जगहों पर जब रेड मारी गई तो ब्लैक मनी का जो स्टैश था वो 2000 के नोटों का ही था, क्योंकि जो जो लोग रखते हैं ये काला धन, उनको जरा रखने में सहूलियत होती होगी कि 2000 की गड्डियां वो रख रहे हैं। लेकिन अब ये नियम भी बना दिया गया है कि अगर आप बैंक में जा करके अगर बदलवा रहे हैं तो आप एक बार में 20,000 ही बदलवा सकते हैं, यानी कि अगर उससे ज्यादा है तो भी आप पकड़े जाएंगे। कुछ कुछ वैसा ही नियम जैसा कि संकेत आप जानते हैं कि जब डीमोनेटाइजेशन किया गया था, नोटबंदी की गई थी, तब भी कुछ इसी तरह का नियम बनाया गया था कि आप एक
तय मात्रा में या तो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं या जो पुराने नोट थे आप उनको बैंकों में जमा कर सकते हैं। तो ये कुछ उसी तरह का नियम है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया है, यानी समय काफ़ी ज़्यादा है। 23 मई से 30 सितंबर तक का वक्त है, एक दिन में आप एक बार में इतना ही करा सकते हो। आप जानते हैं कि जो अमूमन जो आम लोग हैं जिनके पास भ्रष्टाचार की काली कमाई नहीं है, वो ना तो अपने घरों में इतनी बड़ी संख्या में नोट रखते हैं और ना ही उनके पास इस तरह के नोट होते हैं। जिनका जिक्र आपने किया, जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर तो परेशानी उन लोगों को होगी जिनके पास जो नोटों का बिस्तर बना करके रात को सोते हैं, उनको तो दिक्कत होगी। लेकिन ये बात ज़रूर कही गई थी जब 2000 रुपये का नोट आया था, तो जब ये कहा गया था कि आपने नोटबंदी का मकसद आपका यह था कि कालेधन को रोका जाए, तो फिर 2000 रुपये का नोट क्यों जारी किया? क्योंकि 2000 के नोट में आपको पैसा रखने में, नकदी रखने में ज़्यादा आसानी होती है। तो इसलिए तब भी इस बात का विरोध किया गया था कि 2000 रुपये का नोट को आपको नहीं लाना चाहिए था। लेकिन अब शायद सरकार ने सोचा है कि इसको अब खत्म कर दिया जाए, और जो नोटबंदी के पीछे जो असली कारण था और जो असली उद्देश्य था कि जो नकदी है उस पर रोक लगे, काले धन पर रोक लगे, मुझे लगता है कि उस दिशा में एक फिर से एक बड़ा कदम उठाया गया है। जी अखिलेश शर्मा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि 2000 रुपए का नोट जो कि 2016 की नोटबंदी के बाद आया था, कुछ इस रंग का दिख रहा था, वो अब नया नहीं छपेगा, और जिन लोगों के पास हैं वो जाएं और नज़दीकी बैंक में इसको बदलवा लें। लिमिट है, एक दिन में 20,000 से ज़्यादा का आप नहीं बदलवा सकते हैं, और ये सुविधा फिलहाल अभी सितंबर 2023 तक ही है, एक लंबी अवधि है, इस दौरान आप बैंक में जाकर के बदलवा सकते हैं। अगर ऐसी ज़रूरत महसूस हुई तो हो सकता है इस पर आगे भी फैसला लिया जाए, लेकिन फिलहाल अभी जो ऑर्डर आया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, वो ये कहता है कि ये लीगल टेंडर बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि अवैध हो गया है, आप बाजार में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सलाह ये दी गई है कि जाइए इसे बदलवा लीजिए। और आइए रुक करते हैं हमारी अगली बड़ी खबर का। हिंडनबर्ग मामले में एक्सपर्ट कमेटी ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, उसने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी है। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पहली नजर में किसी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है, शेयरों की कीमत बढ़ने में कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है, सेबी को कीमत में बदलाव की पूरी जानकारी थी, तो ऐसा नहीं है कि सेबी की अज्ञानता में ये चीज़ हुई हो। अडानी ग्रुप ने शेयरों की कीमतों को प्रभावित नहीं किया है, ये एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट बता रही है। अडानी की कंपनियों में गैर कानूनी निवेश के सबूत नहीं मिले हैं, संबंधित पार्टी से निवेश में नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है, अडानी ग्रुप के लाभ पाने वाले मालिकों के नाम उजागर किए, सेबी ने अडानी ग्रुप से मिले जानकारी को गलत नहीं बताया है, न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग को लेकर भी कानून का पालन किया गया है, और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप में रिटेल निवेश का हिस्सा बढ़ा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप ने निवेशकों को राहत देने की कोशिश की, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद शॉर्ट सेलर्स ने मुनाफा कमाया, इसकी जाँच हो, ये तमाम निष्कर्ष आखिरी नहीं क्योंकि सेबी की जांच अभी भी जारी है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ वकील और अटॉर्नी जनरल रहे मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ इस कार्यक्रम में। ये जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल है, इसकी रिपोर्ट को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहले सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ा ऊंचा पैनल है, सुप्रीम कोर्ट के जज की नेतृत्व में ये पैनल बना है, तो इस पैनल की जो रिपोर्ट है उसको पढ़ने से, एग्जीक्यूटिव समरी से पढ़ने से ये नज़र आता है कि सारे इनपुट लेने के बाद, सभी के भी इनपुट लेने के बाद, जो एक्सपर्ट है स्टॉक मार्केट में, उन्होंने कोई अडानी ग्रुप के खिलाफ खामियां नहीं पाई हैं, चाहे वो मैनिपुलेशन हो प्राइस की, चाहे वो रिलेटेड पार्टी का हो मुद्दा या और भी कोई मुद्दा हो, तो एज ऑफ टुडे उनके खिलाफ कुछ भी मटेरियल नहीं निकला है। मेरे हिसाब से इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होना चाहिए और मार्केट स्टेबल रहनी चाहिए। मुकुल जी, ये बताइए कि ये जो रिपोर्ट है इसमें ये भी लिखा है, ईडी का हवाला देते हुए, कि बहुत सारे लोगों ने इसके बाद मुनाफा कमाया और इसकी भी जाँच हो, आपको लगता है जाँच होनी चाहिए? देखिए, जरूर हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये बात तो साफ है, इन्होंने कहा है कि छह कंपनियों ने शॉर्ट सेलिंग का एडवांटेज लिया है,
तो उनको हिंडनबर्ग रिपोर्ट उनको पता थी आ गई है या आने वाली है, तो पता करना चाहिए कि कौन है, किन लोगों ने ये इलीगल प्रॉफिट कमाए हैं, बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है। जी रोहतगी जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप जानते हैं ये मामला पूरी तरीके से राजनीतिक हो गया था, इसमें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो जो चीज़ें सामने आई थी वो एक बड़ा मुद्दा बना, जांच के सवाल उठाए गए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब जब इतनी बड़ी पैनल ने ये जांच करके रिपोर्ट सामने रख दी है, तो क्या इसके बाद भी कोई जांच की गुंजाइश बचती है? देखिए, अगर मोटी मोटी जांच हो चुकी है तो इसको और चलाने का क्या पर्पस है? अल्टीमेटली सेबी को या सेबी के जो कानून है उनको पक्का करने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, टेक्नोलॉजी के साथ पेस रखना है, लोग नाजायज़ फायदा उठाते हैं, इसलिए सेबी के कानून पुख्ता किए जाएं, उनको स्ट्रांग बनाया जाए कि भाई कोई ऐसी चीज़ से मार्केट कॉन्फिडेंस जो है इमीडिएटली इस तरह से शैटर ना हो, बिकॉज बहुत करोड़ों लोगों का नुकसान है, करोड़ों रुपये का नुकसान है, तो इसके लिए इस पर मद्देनजर रखनी चाहिए, इस पर गौर करनी चाहिए रादर देन इंडिविजुअल पर्सन और कमिटीज। जी मुकुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम जारी रहेगा ब्रेक के बाद। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं केवी सुब्रमण्यम, आप पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपकी शान में मैं ये भी बताता चलूं कि आप प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस हैं, वैल्यूएशन सिखाते हैं, आपके साथ तमाम इंटरव्यू किए हैं प्रोफेसर केवी सुब्रमण्यम, जिसमें आपने कोविड के दौरान वी शेप रिकवरी की बात की थी, मुझे याद है वो तमाम इंटरव्यू, और ठीक वैसा ही हुआ है। और अभी हाल फिलहाल आपने एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल भी लिखा फरवरी में, जिसमें आपने अदानी ग्रुप कितना मजबूत है, उसके फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग हैं, उसका भी जिक्र किया। तो प्रोफेसर सुब्रमण्यम, सबसे पहले तो ये जो एक्सपर्ट कमिटी की रिपोर्ट है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं, इसकी फाइंडिंग्स। संकेत, मेरे अनुसार जो ये एक्सपर्ट कमेटी की जो राय आई है, ये मैंने जब अडानी के बारे में जब हाइडनबर्ग ने ये क्लेम किया था कि बिगेस्ट कॉन इन हिस्ट्री, यानी कि इतिहास में सबसे बड़ा फ्रॉड, जब आप इस तरह की एक बहुत बड़ी क्लेम करते हैं कि इतिहास में सबसे बड़ा फ्रॉड, और इतिहास में तो हमने बहुत सारे ऐसे फ्रॉड देखे हैं, और आप जब कहते हैं कि इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड, तो आपको ये दर्शाना पड़ता है कि सारे सीधे साधे जो कारण है, सीधे साधे यानी कि जिसमें कि फ्रॉड नहीं हुआ, ऐसे कारण जो स्टॉक प्राइस में जो बढ़ोतरी हुई उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और मैंने जो टाइम्स ऑफ इंडिया में वो जो लेख लिखा था, उसमें ये मैंने बतलाया था कि यदि आप अडानी की जो स्टॉक प्राइस है उसको समझें, और ये भी मैं बतला दूं कि इसमें मैंने अश्वथ दामोदरन जो कि प्रोफेसर हैं ऑफ फाइनेंस, वैल्यूएशन सिखाते हैं एनवाईयू स्टर्न में, मैंने खुद जब मैं एमबीए स्टूडेंट था मैंने उनका वैल्यूएशन का किताब पढ़ा था, और मैं खुद एमबीए को ये वैल्यूएशन पढ़ाता था इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में, तो ये सब इसका इस्तेमाल करके मैंने ये दिखाया था उसमें कि यदि आप देखिए स्टॉक प्राइस में जो बढ़ोतरी हुई वो उसमें वो मुख्यतः इसलिए हुई कि जो रेवेन्यूज हैं, जो सेल्स हैं अडानी की, वो 2021 के बाद बहुत जोर से बढ़े, और इन जो निवेशक हैं, निवेशकों ने समझा कि ये और ये अनुमान लगाया कि ऐसी बढ़ोतरी होती रहेगी, और ये इसका कारण ये था कि 2021 की जो बजट थी, आपको ध्यान होगा वो कोविड के बाद वाली बजट थी, जिसमें कि भारत सरकार ने बहुत बड़ा एक बदलाव लाया अपने फिस्कल पॉलिसी में, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसमें निवेश है उसको बढ़ाने की, और अडानी चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करता है, तो ये स्वाभाविक था कि निवेशक जो है वो समझेंगे कि भारत सरकार की जो ये जो नीति में जो परिवर्तन आया है इसका लाभ अडानी को आएगा। उसके अलावा कई बार एक्चुअली आप इन स्टॉक मार्केट्स में ये इरेशनल एग्जूबरेंस जो कि थोड़ा ज्यादा अनुमान जो है
बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक लगाया जाए, ये भी होता है। इन दोनों के भी आप जोड़ के देखें तो जो मैंने लिखा था कि स्टॉक प्राइस जो है उसको उसका एक आप सीधा साधा एक कारण दे सकते हैं, और यदि आप एक भी सीधा साधा कारण दे सकते हैं तो ये जो क्लेम है कि बिगेस्ट फ्रॉड इन हिस्ट्री वो तो बनता नहीं है। तो जब मैं ये एक्सपर्ट कमेटी की राय को देखता हूं, और मैंने एक्चुअली जल्दी से पढ़ा था अभी इसमें, उसमें मैं ये देखता हूं कि ये जो मैंने राय जो मैं अपनी अपनी कन्विक्शन से बतलाई थी वो सही साबित हुई है। ये मुझे बड़ा आनंद आ रहा है कि इकोनॉमी में भी 2018 से जो मैंने जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं रादर देन फॉलोइंग द हर्ड, जो मैंने अपने कन्विक्शन अपने विश्वास से जो बतलाया था वो सही साबित हुआ, और इस मामले में भी अडानी में भी मैंने अपनी अपनी विश्वास पे और अपनी जो एक्सपर्टीज है उस पर लिखा था, और जो एक्सपर्ट्स की राय आई है वो साफ साफ दर्शाता है कि कुछ भी हैंकी पैंकी जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कुछ फ्रॉड इसमें नहीं नजर आता। बिल्कुल प्रोफेसर सुब्रमण्यम, देखिए हालांकि ये जो अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ ये बोला है एक राजनीतिक दल ने, लेकिन क्योंकि मुद्दा अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है और इस रिपोर्ट के बाद दिया गया है, मैं चाहता हूँ अगर आप जरा उस पर कुछ अपना आप गौर फरमाएं। जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के नेता हैं वो लिखते हैं, मोदी सरकार के दावों के विपरीत कमेटी ने कहा है कि सेबी की ओर से मिले आंकड़ों और स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखते हुए अभी निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है जिससे लाभ प्राप्त करने वाले को बचने में सुविधा मिलती है। अडानी समूह द्वारा सेबी कानूनों के उल्लंघन के संबंध में समिति किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ है। आपका जवाब। देखिए इसमें दो बातें हैं जिसमें मैं रोशनी डालना चाहता हूं। एक तो ये कि यदि आप हमारे जुडिशियल सिस्टम हमारी न्यायिक प्रणाली जो है उसमें भी देखें तो किसी को भी हम दोषी नहीं ठहराते जब तक हमारे पास ठोस एविडेंस ना हो कि इसने जो काम जिस काम की के बारे में उसको बताया जा रहा है उसका ठोस एक एविडेंस हो। और इसमें जो और मैंने रिपोर्ट देखा है जो एक्सपर्ट्स हैं ये एक्सपर्ट्स ऐसे इनको इनमें दो लोगों को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, केवी कामत साहब जिनके साथ जब वो एमडी थे एमडी एंड सीईओ आईसीआईसीआई के तब मैं एक फ्रेशर था, मैंने उनके साथ काम भी किया था दो तीन मैंने उसमें। उसके अलावा सोमशेखर सुंदरेशन जिनके साथ मैं दो कमेटी में रहा हूँ, पीजे नायक कमेटी और उदय कोटे की कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी, और इनकी जो एक्सपर्टीज है इसको मैं इनसे मैं वाकिफ हूँ और मैंने एक्चुअली बहुत करीबी से देखा है। एक्सपर्टीज के अलावा ये ऐसे लोग हैं जिनको आप ये नहीं कह सकते कोई भी व्यक्ति कह दे कि आप जाके एक्स बोलें और ये एक्स बोल देंगे, नहीं नहीं ये एक्चुअली ये इंडिपेंडेंट लोग हैं जो अपनी निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये सबसे पहले ध्यान रखने योग्य है। दूसरा ये मैंने एक्चुअली आजकल कमेंट्री में काफी देखता हूं कि जब आपका जो मैसेज है जब मैसेज आपके आपके लिए अनुकूल नहीं होता प्रतिकूल होता है तो ये राजनीतिक जो बयान दिए जाते हैं उसमें कहा जाता है अरे जो मैसेंजर है उस मैसेंजर पे कीचड़ उछालो। ये एक ट्रेंड हो गया है कि जब मैसेज आपको अच्छा लगता है तो आप मैसेंजर को बहुत 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 उसकी बढ़ाई करते हैं, लेकिन जब मैसेज प्रतिकूल है तब आप उसको उस पे कीचड़ उछालते हैं। तो ये मेरा एक वाक्य की आप बात कर रहे हैं ये उसमें कंसिस्टेंट है। इसके अलावा यदि हम टेक्निकल डिटेल्स में जाएं तो टेक्निकल डिटेल्स में उसको मैंने देखा है सेबी ने सारा जो डेटा है वो एक्सपर्ट कमिटी से शेयर किया, एक्सपर्ट कमिटी ने उसमें एविडेंस भी निकाला और उन्होंने ये पाया कि ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे कि वो बता सकें कि यहाँ पे फ्रॉड हुआ है। जी अडानी तीन विषयों पर एक्सपर्ट कमिटी गई है, एक जो 25% जो पब्लिक फ्लोट होना पब्लिक होल्ड शेयर होल्डिंग होना चाहिए, दूसरा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उसकी उनकी जो डिस्क्लोजर्स है, और तीसरा स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन। और ये स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में ये भी बतला दूं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कि कुछ हफ्ते एक दो हफ्ते पहले जो मॉरिशस की पार्लियामेंट है उसमें मॉरिशस के प्रेसिडेंट ने भी ये बयान दिया कि अडानी की कोई ऐसी कंपनियां वहां पे
मॉरिशस से कुछ इस तरह की का हैंकी पैंकी उन्होंने नहीं किया है। तो ये सब आप मिलजुल के जब आप देखें तो मेरे अनुसार तो ये साफ है कि ये ऐसे लोग हैं जिनकी एक्सपर्टीज है और ये इंडिपेंडेंट माइंडेड हैं और इन्होंने सब एक्चुअली मिल के एविडेंस के सबूत पे एविडेंस का को ध्यान में रखते हुए लिखा है कि ऐसा कुछ ठोस सबूत नहीं है जिससे कि आप बता सकें कि इसमें कोई हैंकी पैंकी हुआ। और ये अंत में ये भी बतला दूं, मैंने तो ये एक्चुअली करीब जब वो अडानी एपिसोड हुआ था तभी मैंने लिखा था कि मेरे अनुसार जब मैं स्टॉक प्राइस को देखता हूं उसमें एक सीधा साधा एक्सप्लेनेशन हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि यही है, लेकिन यदि आप एक भी सीधा साधा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि फ्रॉड है, और यही सबसे अहम बात है यहाँ जी। बिल्कुल के वी सुब्रमण्यम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए।